हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टेक जी चैनल पर। आपका आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट की समस्या आ रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दिए हैं कि कैसे आपको आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट की समस्या को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर एक वीडियो पहले से ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप चाहें तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसमें 2 लाख से ज़्यादा व्यूज आ चुका है, और आप चाहें तो उस वीडियो को यहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये समस्या आप अपने फ़ोन से भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको आप लोग क्या होता है कि आप लोग घबरा जाते हैं और आप जाते हैं कहीं साइबर या कहीं से भी आप अपना ठीक कराने के लिए। जब आप फिंगरप्रिंट जाते हैं तो वहाँ पर आपको बोलता है कि इतना रुपया खर्चा लगेगा, आपका फिंगरप्रिंट समस्या को ठीक कर देंगे। लेकिन उस आपको वहाँ जाने से पहले, आपको आधार सेंटर जाने से पहले, आपको पैसा खर्च करने से पहले आपको एक काम करना है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर वो समस्या आपका रहता है तो आप 100% आप अपने फ़ोन से ही घर बैठे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जितने भी लोग का फिंगरप्रिंट की समस्या आता है उसमें से 100 में से आपको 90 लोग तो का यही प्रॉब्लम होता है जो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो अगर आपका भी वही प्रॉब्लम होगा तो आप अपने फ़ोन से ही ठीक कर सकते हैं, तो आप फालतू में पैसा खर्चा क्यों करेंगे। तो आप वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। उसके बाद गूगल के सर्च बार में आपको टाइप करना है uidai.gov.in, लिखकर सर्च कर देना है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। तो लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे ऊपर आपको जो राइट साइड में वहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन जो शो हो रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना लैंग्वेज में वेबसाइट को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में कर लिए हैं आपको बताने के लिए। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आधार सर्विस का ऑप्शन ढूंढ लेना है। तो देखिए यहाँ पर आधार सर्विस का ऑप्शन मिल रहा है, इसमें आपको लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का ऑप्शन जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है आधार सर्विस में, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक आधार का ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पर देखिए उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 3 स्टेप दिखाया जा रहा है, तो आपको यहीं पर मेन आपको समझना है। यहीं पर लोग नहीं समझते हैं, बस कुछ भी यहाँ पर आगे प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेप को समझना है। फर्स्ट स्टेप में आपको बता रहा है लॉक अनलॉक आधार प्लीज जनरेट एट ए 16-डिजिट वर्चुअल आईडी। तो यहाँ पर आपको वर्चुअल आईडी 16-डिजिट का जनरेट करने को बोल रहा है, उसी से आप यहाँ पर आगे इस फीचर का यूज कर सकते हैं, उसके बिना आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं SMS के माध्यम से भी। नीचे यहाँ पर बताया जा रहा है आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट आपको एंटर करके RVID लिखकर और 4 डिजिट आधार कार्ड का लास्ट आपको इंटर करके 1947 पर SMS सेंड करना है। आपका वर्चुअल आईडी आपको SMS के जरिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए दूसरा स्टेप में यहां पर यो वर्चुअल आईडी जनरेट होने के बाद आपको रिटर्न इसी पेज पर आना है। उसके बाद यहां से आपको यहां पर आपको वर्चुअल आईडी इंटर करके आगे प्रोसेस कंप्लीट करना है। यहां पर ये बता रहा हूं जो वर्चुअल आईडी आप जनरेट करेंगे उसको आपको इंटर करने का प्रोसेस सेकेंड स्टेप में आपको बता रहा है। और थर्ड स्टेप में यहाँ पर आपको रिटर्न इस पेज पर आकर आगे इस फीचर का यूज करने के लिए, लॉक अनलॉक आधार का फीचर यूज करने के लिए आपको यहाँ से शुरुआत करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको रिटर्न, तो यहाँ पर तीनों स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला स्टेप को मैं कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्लिक है टू जनरेट वर्चुअल आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। अब आपको यहाँ पर देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जनरेट भी आईडी लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर आपको सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर अपना इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर इंटर कर लिए हैं। अब आपको सामने जो कैप्चा दिख रहा है इसको देख कर सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं कैप्चा देख कर सेम टू सेम फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फिलअप होने के बाद देखिए मैं कैप्चा फिलअप कर लूँ।
तो दोस्तों कैप्चा फिलअप करने के बाद उसके बाद देखिए सेंड ओटीपी का बटन जो है नीला हो गया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ फर्स्ट में आपको आधार नंबर देने के बाद, सेकंड में कैप्चा देने के बाद आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ऊपर दिखा रहा है ओटीपी सक्सेसफुली सेंड हो गया है। अब आपके फोन में देखिए ओटीपी आ गया कि आ भी गया है। अब उस ओटीपी को देख कर आपको सेम टू सेम फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पर हम देख लिए ओटीपी, अब यहाँ पर हम फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए मेरा वर्चुअल आईडी यहाँ पर मिल गया है। यहाँ पर जो 16 डिजिट का भी आईडी नंबर होता है, वर्चुअल आईडी नंबर, वो यहाँ पर जनरेट होकर आ गया। इसी को आपको लिख लेना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। आपका SMS में भी आ जाता है, तो यहाँ SMS के जरिए भी हमको भेज दिया गया है और यहाँ पर स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। तो देखिए मैसेज में भी यहाँ पर मेरा वर्चुअल आईडी यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ मैसेज भी भेज दिया गया है। अब इसी के जरिए आप आगे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। दोबारा आपको गो टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और बैक आ जाना है। दोबारा से आपको लॉक अनलॉक फीचर्स में आ जाना है। उसके बाद देखिए इसी पेज पर आपको रिटर्न आना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है आपको बताते हैं। सबसे नीचे यहाँ पर आना है आपको, यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में लॉक आधार और अनलॉक आधार का ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी आप लॉक अनलॉक करना चाह रहे हैं तो अनलॉक पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर लॉक करना चाह रहे हैं तो लॉक के ऑप्शन पे रहने देना है। यहाँ पर अनलॉक करना है तो अनलॉक के ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो वर्चुअल आईडी आपको मिला है, उस वर्चुअल आईडी जो 16 डिजिट का नंबर है, उसको आपको यहाँ पर देख कर सेम टू सेम फिलअप करना है और कैप्चा जो साइड में दिख रहा है उसको भी देख कर आपको सेम टू सेम फिलअप कर देना है। तो वर्चुअल आईडी इंटर करने के बाद और कैप्चा इंटर करने के बाद सेंड ओटीपी का बटन जो दिख रहा है नीला कलर का, उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए क्लिक करते ही ओटीपी जनरेटेड सक्सेसफुली यहाँ हो गया, नोटिफिकेशन शो कर दिया और फोन में मेरा SMS भी आ गया है, ओटीपी भी मेरा आ गया है। यहाँ पर ओटीपी देख कर सेम टू सेम हम फिलअप कर देते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर टिक कर देना है, यहाँ पर टिक लगा देना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ सबमिट का बटन नीला हो जाएगा, उसके बाद उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपका आधार कार्ड अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस फीचर्स का यूज कर सकते हैं।